यार 3 सालों की मेहनत, पेन और सेक्रीफाइस से जो कॉलेज मिला था ना, वो अब इन मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से कैद हो कर रह गए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन स्टूडेंट्स से कॉलेज लाइफ दिखती कैसे है। जब पहली बार 2020 में ऑनलाइन क्लासेस का नाम सुना था ना, तो सोचा था कि मैं भी यार एक फ्यूचर का हिस्सा बनूंगा, फ्यूचर को देखूंगा कि वो कैसा होगा। लेकिन जब उसका हिस्सा बना ना, तो उसने यार आने वाले कल का ही ना नज़र के ही बदल के रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने नज़रिया ही बदल दिया। अभी सूरज निकला ही होता है और हम भी अभी थोड़ी थोड़ी नींद में होते ही हैं कि तभी हमारी 9 to 5 की जॉब की तरह दिखने वाली कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या, हजारों मैसेजों में से लिंक ढूंढो क्लास की और सारा दिन फिर लिंक ज्वाइन करते में ही निकल जाता है। बाकी की रही कसर असाइनमेंट पूरा कर देते हैं। एक असाइनमेंट पूरा होता नहीं है कि उससे पहले अगला असाइनमेंट असाइन हो जाता है। और यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एडमिशन कॉलेज में नहीं, हमने एमएस टीम्स में लिया है, क्योंकि हम सारी चीज़ें एमएस टीम्स में तो कर रहे होते हैं, जिसमें लाइफ की पेस ना इतनी तेज हो गई है कि एक मिनट रुक कर सोचने का वक्त भी नहीं मिल पाता है। और यार अभी कुछ सालों पहले तक ना मेरे को ये कलर्ड स्क्रीन्स बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे इनसे नफरत भी हो जाएगी। अब इससे हुआ ये है कि जो चीज़ें मुझे पहले अच्छी लगती थी ना, जो चीज़ें मैं करना चाहता था, अब मेरा उन्हें करने का भी मन नहीं करता है। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज में आकर कोडिंग करूँगा, लेकिन अब सारा दिन क्लासेज लेके ना मेरे को कोडिंग करना भी पसंद नहीं। अब अगर सोशल लाइफ की बात करें तो वो तो सोशल मीडिया के बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर ही फंस के रह गई है बस, क्योंकि क्लासेस टाइम पे किसी दोस्त से मिलने तो जा नहीं सकते, और अगर अपने क्लासमेट से कुछ पूछना हो तो उसके लिए सोशल मीडिया यूज़ करना ही पड़ेगा। और क्लासेज में इंटरेक्शन के नाम पे ना हम बस टॉपर्स और प्रोफेसर्स के बीच की वीडियो कॉल ही देख रहे हैं, क्योंकि बात तो हमारी होती नहीं है किसी से। टॉपर्स बोलते रहते हैं क्लास में, प्रोफेसर उनका रिप्लाई करते हैं, तो बस भाई इंटरेक्शन तो क्लास में हमारी बस यही रह गई। अगर बुक्स की बात करें तो वो तो पता नहीं कहाँ पर पीडीएफ के बीच में दब के रह गई हैं। और ये भी है, अगर एक पीडीएफ हम खोल लेते हैं एक बार, तो पीडीएफ को भी पता नहीं चलता कहाँ पर रह गई वो। जब सारा दिन कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे एक जगह बैठे रहेंगे तो हेल्थ पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। इससे हमारी स्लीपिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि रात को जल्दी नींद आती नहीं है और फिर क्लास में बैठे बैठे सोते रहते हैं। क्लासेज का शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि हेड पेन होने लगता है क्लासेज के बाद, आईज के अंदर पेन होता है, समझ में नहीं आता यार कि बस हो क्या रहा है ये। बट द क्वेश्चन इज, क्या इतना सब कुछ करना हमारा ऑनलाइन क्लासेज के लिए वर्थ इट है?